सो माई हिप हॉप ड्रीम एक्चुअली वुड बी टू गेट माई सेल्फ म्यूजिक स्टूडियो बिकॉज आई हैव लव फॉर दैट साउंड. आई लव साउंड इंजीनियरिंग, आई लव म्यूजिक प्रोडक्शन, लाइक इमेंस लव फॉर दैट साउंड. सो येस, आई वुड लाइक टू हैव अ म्यूजिक स्टूडियो विद टॉप नॉच गियर. देन आई वुड लाइक टू गिव बैक टू माई कम्युनिटी एक्चुअली, सो दैट लाइक आई कुड हेल्प ऑल दोज बडिंग आर्टिस्ट who actually need that support to get to the front. Like I can feel that thing because even I am a budding artist actually, but I am a bit lucky to have the Dharavi Dream Project for my support. My name is Spandan. I am 19 years old. I have a YouTube channel named Spandan Music. You can go and check out my stuff there. सो मैं सेवेंथ क्लास में था, तब मुझे मेरे एक दोस्त ने एक हनी सिंह का गाना सुनाया था एंड ही टोल्ड मी कि ये ऐसा रैप म्यूज़िक होता है. और बस उसी मोमेंट पे लाइक आई फेल इन लव विथ रैप म्यूज़िक. और फिर मैं ग्रेजुअली हिप हॉप के बारे में, रैप के बारे में और सीखता गया. और फिर लाइक मुझे कभी फील हुआ कि मैं अपना रैप लिखना चाहिए, कुछ बार स्पिट करनी चाहिए, बट मुझे नहीं आता था. सो मैं द धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट ज्वाइन किया. और फिर मुझे हीम सर ने मुझे वहाँ पे फिर रैप सिखाया, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड किया. और ऐसा ग्रेजुअली मैं सीखते गया, खुद प्रैक्टिस करते गया एंड देन ये इसमें ऐसे ही सीखा और अभी यहाँ पर हूँ. द धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट हैज़ सम रियल कनेक्शंस इन द इंडस्ट्री. और ये सब कनेक्शन एक्चुअली बडिंग आर्टिस्ट को हेल्प करते हैं ग्रो करने में. और लाइक इनका जो सपोर्ट होता है इनके स्टूडेंट्स के लिए, लाइक इट्स इमेंस. मतलब लाइक बॉटम से लेके उनको एक आर्टिस्ट लेवल तक ले जाना, एक रिप्रेजेंटेबल आर्टिस्ट लेवल तक ले जाना, लाइक ये सब हर लेवल पे ये लोग सपोर्ट करते हैं. और अगेन स्कूल में वो हिप हॉप वाला एनवायरनमेंट है जो लाइक हमें वाइब सेट करने में मदद करता है और हमारा लाइक आर्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे. अगेन इनके जो लॉकडाउन के टाइम जो गेस्ट लेक्चर्स वगैरह हुए थे, और नीजी का हुआ था, आकाश कहा है जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, लाइक द डोपेस्ट म्यूज़िक प्रोड्यूसर इन DHH, और लाइक उनके जो टिप्स एंड ट्रिक्स थे वो हमें सच में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था ग्रो करने में, अगेन रैप लिखने में, म्यूज़िक प्रोडक्शन करने में. सो येस, लाइक दे हैज़ दैट वाइब, दे हैज़ दैट एनवायरनमेंट, और इसीलिए वो इंडिया का ओनली एंड द फर्स्ट हिप हॉप स्कूल है. एक्चुअली जब मैंने मेरा पहला गाना रिलीज़ किया था तो लाइक एवरीवन वाज शॉक्ड, इवन एट माय प्लेस मेरी फैमिली भी शॉक थी, लाइक कि हाँ ये बंदा भी रैप करता है, हिप हॉप करता है. बट देन येस, दे वर सुपर सपोर्टिव. इवन माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वेर ऑल्सो सुपर सपोर्टिव, लाइक दे हेल्प मी गेट माई वीडियोज़ डन, एवरीथिंग रिलेटेड टू लाइक रिलीजिंग अ म्यूजिक वीडियो. एंड देन माई टीचर्स, दे हेल्प मी लाइक शेप माई राइमिंग स्कीम्स, कहाँ पर मैं लाइक कम था, कहाँ पर लाइक आई वॉज गुड. सो येस, इट हेल्प मी अ लॉट. And this is how my teachers, my parents and my closest friends reacted to my art. So I usually rap about my own feelings, mental struggles and stuff like that. Kyunki rap is an expressive genre and it has given me a stage actually to express my own feelings. And now I have a pen and a paper to like express my feelings, pour down my feelings on it, that too in a rhyming way actually. And it like helps me keep calm, relieved. So yes, I like to usually rap about my own feelings. Yes, the coolest thing that I learned at the Dharavi Dream Project was freestyle. For me, it's the coolest thing. You need to spit your bars this quick. You know, the beat is being played or the beatboxing is, you know, like playing and you need to spit bars on that. It's really
a talented thing, a cool thing, and it really needs hard work to ace that thing actually. So my hip hop dream actually would be to get myself a music studio because I have love for that sound. I love sound engineering, I love music production, like immense love for that sound. So yes, I would like to have a music studio with top notch gear. Then I would like to give back to my community actually, so that like I could help all those budding artists who actually need that support to get to the front. Like I can feel that thing because even I am a budding artist actually, but I am a bit lucky to have the Dharavi Dream Project for my support. जज्बात ही झीलों में डूबा हुआ मैं था जो कभी ना लौटा लौंडा वो नरम दिल तेज उसकी सांसें जब देखे फूल परी वो जिसके लिए खोया उसने सांस अपना पर न छोड़ा उसने उन्स इजहार करने की बारी बस बाकी फिर क्या आंखों में लिए उम्मीद निकल पड़ा अपने उस मंजर पे ये सीधा गुलाबी फूल गुलाबी होठ रेशमी वो जुल्फे मचलती वो झोंक हवा की जो लोलाई उसमें एक ताजगी फिर क्या मिट गई वो दोस्ती वाली बंदगी। जैसे तू तेरी यादों से मैं जंग जैसे